केरला स्टोरी मूवी को लेकर सिवनी मालवा में राजनीति चरम पर है। फिल्म लफजिया जैसे षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए बनाई गई है। सिवनी मालवा के एकमात्र सिनेमा हॉल हाउसफुल चल रहा है। रविवार को सिवनी मालवा नगर में विश्वविंदु परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं और लड़कियों में धर्म संस्कृति सहित लफजिया जैसे षड्यंत्र के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए उन्हें का केरला स्टोरी सिनेमा हॉल में फ्री दिखाने का प्रबंध किया। यही नहीं, विश्वविंदु परिषद की ओर से पूरे के पूरे सिनेमा हॉल को बुक किया गया। फिल्म को देखने की उत्सुकता महिलाओं और लड़कियों में भी देखने को मिली। सिनेमा हॉल के बाहर जय श्री राम के नारे लगे। इस दौरान विश्वविंदु परिषद के सीईओ राठौर ने बताया कि देश में बढ़ते लफजियात मामलों को लेकर बहुचर्चित द केरला स्टोरी फिल्म को हमने गीता डाकिस सिनेमा हॉल में पूरा शो बुक किया। इसमें शहर की सैकड़ों महिलाओं ने फिल्म देखी। फिल्म देखने आने वाली महिलाओं का सिनेमा हॉल के बाहर भगवा दुपट्टा पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इसके साथ ही फिल्म देखने आई महिलाओं ने सिनेमा हॉल के अंदर भारत माता की जय एवं जय श्री राम के नारे लगाए। बीप कार्यकर्ताओं ने महिलाओं एवं बच्चों को स्थानीय जयस्तंभ चौक पर एकत्रित किया, जहां से सभी रैली के रूप में गीता टॉकीज द केरला स्टोरी फिल्म देखने पहुँचे। विश्वविंदु परिषद के द्वारा आज सिवनी मालवा में यह जो द केरला स्टोरी दिखाई जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि वर्तमान परिस्थिति में जो दृश्य बन रहा है बहनों के साथ, जो इस केरला मूवी में सीधे सामने आया है कि कैसे मासूम सी बच्चियां पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाती हैं और धर्मांतरण का शिकार होती है, उन बहन बेटियों को जागृत करने के लिए यह मूवी दिखाई जा रही है, जिससे कि वो बहन बेटियां इस समाज के अंदर जो विधर्मी शक्ति छुपी हुई है, जो उन्हें बल से छल से उनका जो शोषण कर रही है आकर्षण के माध्यम से, उनको उनका सामना यह द केरला मूवी को दिखाने के बाद वो बच्चियां समझ जाएगी कि उन्हें समाज में कैसे जीना है और किन असुरी शक्तियों से बचना है जो आज बहुत बढ़ा कहीं ना कहीं बढ़ा रूप लेने वाली है समाज के अंदर, उन चीजों से बचने के लिए द केरला मूवी दिखाई जा रही है। लगातार मुगल काल से ही हिंदू समाज अपने इस पीड़ा को भोगते हुए चला आ रहा है, इस वेदना को देखता हुए चला आ रहा है। इस मूवी में जो घटनाएं दिखाई गई हैं, हकीकत में ये घटनाएं हर हिंदू परिवार के साथ घटी हुई घटनाएं हैं। जब उनकी बहन बेटी किसी भी धर्मी के साथ जाती है तो क्या होता है उसके साथ, वो पूरा एक चित्रण इस मूवी में है। इसके माध्यम से समाज में जन जागरण हो, हमारी हर बहन सजग हो, जागरूक हो, और वो जो एक प्रेम मोहब्बत का एक जो चेहरा समाज के बीच में इन लोगों ने स्थापित करके रखा है, वो चेहरे पे से एक नकाब उतरे और लोगों को एक असलियत समझ में आए कि ये किस उद्देश्य के लिए हिंदू बहनों के साथ छल करते हैं, इनका एक उद्देश्य क्या है, वो पूरा उद्देश्य इसमें दिखाया गया है। भारत में तो कहा जाता है कि इस्लाम प्रेम और धर्म का मजहब है, लेकिन वही इस्लाम सूडान और अफगानिस्तान में जाके क्या हो जाता है,
वो भी इस फिल्म में दिखाया गया। तो असली इस्लाम कौन सा है, कौन प्रेम मोहब्बत का पैगाम देता है, वो भी इसमें बहनों को समझ में आएगा। वो इस बात को लेकर हमारी बहनें बाद में चिंतन भी करेंगी, वो चिंतन करने के बाद लव जिहाद की घटनाओं में रोक लगेगी, इसलिए इस फिल्म का प्रदर्शन विश्वेंद्र प्रसाद द्वारा किया जा रहा है। पूरे देश भर में जिस प्रकार से लव जिहाद एक विधर्मी द्वारा किए जा रहे हैं, उसको देखते हुए उसी सत्य घटना पर आधारित केरल में जो 50,000 से अधिक हिंदू बहनों का धर्मांतरण हुआ याद के रूप में, उसी धर्मांतरण की घटना पर आधारित द केरला स्टोरी फिल्म जो कि सिवनी मालवा के गीता सीने वेलेक्स में चल रही है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के माध्यम से आज यहाँ की कुछ बहने आज गीता सीने वेलेक्स पहुंचकर और यह फिल्म का प्रदर्शन देखेंगी। और विश्व हिंदू परिषद ने यह आह्वान विगत 4 दिन पूर्व किया था, उसी को लेकर आज यहाँ की बहने गीता टाकिज पर द केरला स्टोरी को देखकर जनजागरण करेंगी। वो बस्तियों में घरों घर जाकर हिंदू बहनों को जागृत करेंगी कि अब यह जो लव जिहाद का मामला और धर्मांतरण चल रहा है, कहीं ना कहीं यह रुकना चाहिए और हिंदू बहनें सुरक्षित होना चाहिए, इसी को लेकर यह जनजागरण यात्रा।